शहर है और मैं मध्य प्रदेश के बहुत ही छोटे से शहर रीवा से बिलोंग करता हूँ। बहुत छोटा सा शहर है। अगर मैं मेरे शहर की बात करूं दोस्तों, तो हमारा शहर जाना जाता है एक्चुअली में लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर्स के नाम से, क्योंकि दुनिया का जो पहला सफेद शेर था वो रीवा में मिला था, रीवा मध्य प्रदेश। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में हमेशा आरएमपी बोलता हूँ, रीवा मध्य प्रदेश में बिलोंग करता हूँ। तो दोस्तों पहला व्हाइट टाइगर, दुनिया का सफेद शेर वहीं पाया गया था। आप किसी भी दुनिया के जू में चले जाइए, सफारीज में चले जाइए, अगर व्हाइट टाइगर का डिस्क्रिप्शन लिखा होगा तो उसमें रीवा का नाम जरूर होगा, और इसीलिए उसको लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर्स बोला जाता है। बहुत छोटा सा शहर है, खूबसूरत सा शहर है। यूजुअली कई लोगों ने अपनी बुक्स में भी पढ़ा होगा, और क्यों व्हाइट टाइगर को हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि व्हाइट टाइगर सबसे रीसेंट स्पेसीज है। बाकी हमको मालूम नहीं हाथी कब से है और गधा कब से है, लेकिन व्हाइट टाइगर एक अनोखी प्रजाति है और वो बहुत रिसेंटली नोन प्रजाति है, इसलिए सबको मालूम है कि लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर्स रीवा है। अभी हम टूरिज्म में बहुत हाईलाइट हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया का पहला व्हाइट टाइगर सफारी वहां पर आया है। आने वाले साल, दो साल, तीन साल के अंदर टूरिज्म को लेकर एक बहुत अच्छा स्पॉट रीवा होगा। हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ आने वाले समय में प्लान करें, तो आई विल बी रेडी एंड वेरी ईगर टू होस्ट यू ऑल। कभी भी आइए, है ना, रीवा आइए। और दोस्तों अभी आने वाले दो से तीन साल में आपको सुनाई देगा, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा में आ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा 750 MW का प्लांट है, वो सोलर प्लांट हमारा दुनिया का सबसे बड़ा रीवा से आ रहा है। आने वाले दो से तीन साल के बाद में हम गर्व से कह पाएंगे कि वी विल बी द एनर्जी प्रोवाइडर फॉर एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया को हम एनर्जी देंगे। वो हमारा छोटा सा शहर है दोस्तों, बहुत खूबसूरत सा शहर है, शान शहर, अच्छे लोग हैं और स्मॉल टाउन है। 3 लाख की पॉपुलेशन है मेरे टाउन की, जितना शायद मतलब मैं बोलता हूँ कि जबलपुर को अगर हम कद्दू मानते, कद्दू जानते हैं ना, तरबूज, ऐसे कद्दू को उछालते हैं और वो टूट के जब बिखरेगा ना, तो जो सबसे छोटा वाला टुकड़ा होगा ना आपके जयपुर का, वो हमारा रीवा। और मैं सच बताऊं, जितना मतलब मैं तो कभी कभी बड़ा एमवीपी करता हूं अपने, क्योंकि जब मैं बड़े शहरों में जाता हूं मैं देखता हूं जितना बिजनेस हमको 8 शहरों में जाके निकालना पड़ता है ना, उतना बिजनेस अकेले निकालने की क्षमता आपके जयपुर के अंदर है। ओह लकी यू पीपल सर, आप कितना बड़ा बिजनेस है, कितनी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। और जितने छोटे शहर के लोग हैं उनको मैं स्पेशली बोलना चाहता हूं कि बहुत गौर से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि कई बार ना मेरा भी माइंडसेट ये रहता था, और हम लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि बहुत बड़ी सक्सेस जिंदगी के अंदर उनको मिलती है बहुत बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, क्योंकि आसपास भी छोटे छोटे जगह से लोग आए होंगे। तो मैं स्पेशली आप लोगों को, आप लोग अपना बिजनेस वहां ग्रो कर रहे होंगे ना, तो मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिजनेस में होता है, ये जॉब में होता है। क्योंकि जॉब के अंदर डेफिनेटली जो प्लेटफॉर्म आपको ग्रो करने का मौका जबलपुर, वो जयपुर में या दिल्ली या बॉम्बे में होगा, वो शायद चोमू में आपको नहीं मिलेगा, ये जॉब में होगा। हो सकता है बिजनेस के अंदर जो दुकान आप खोलकर जयपुर बॉम्बे या दिल्ली में इनकम कर सकते हैं, वो आप चोमू में नहीं बैठ के कर पाएंगे, ये बिजनेस में होगा। बट एमएम के मार्केट में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आप किसी गांव खेड़े से जुटकर पूरे इंडिया में अपनी टीम बनाकर अपना नाम कर सकते हैं, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तो अगर आपके अंदर वाकई क्षमता है ना, बस अगर आपके अंदर क्षमता है ग्रो करने की, और अगर आपके अंदर क्षमता है सीखने की, तो दोस्तों आप किसी भी गांव से निकलकर, किसी भी शहर स्मॉल टाउन से निकलकर पूरे इंडिया में एक दिन अपना नाम करेंगे, और डेफिनेटली ये क्षमता एमएलएम और माय लाइफ के प्लेटफॉर्म के अंदर है। बहुत छोटी सी फैमिली मेरी, और मेरे फादर ही इज अ बिजनेस मैन एंड 66 ईयर यंग मैन है वो, वाकई बहुत हार्ड वर्किंग है, ही इज द हीरो ऑफ माय लाइफ। मेरी माँ, वी लॉस्ट हर 5 years back, बट वो हेवनली विशेज उनकी हमेशा मेरे साथ है, एंड शी इज द फर्स्ट लेडी ऑफ माई लाइफ, जिन्होंने जहां भी मैं हूँ वो इंस्पिरेशन मेरी माँ और मेरी वाइफ के कारण है दोस्तों। मेरी वाइफ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सफलता में ही मेरी बीवी का नाम है, दैट इज लता, तो मेरी सफलता में मेरी वाइफ का नाम है दोस्तों, दैट इज लता। और एक बेटा हूँ मेरा 11 साल का, ही इज इन बोर्डिंग, पहले वो अजमेर में था मेयो में, और अभी लेकिन लास्ट ईयर भी शिफ्टेड हिम, वो पाथवे जरावली करके एक इंटरनेशनल स्कूल है दिल्ली के पास, वो वहां पर है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, मैं आ रहा था आज मॉर्निंग में मेरी वाइफ से बात कर रहा था, तो वाइफ मेरी दोस्तों शेफ है, एक्चुअली शेफ समझते हैं आप लोग, तो खाना वाना बनाते हैं फाइव स्टार होटल में, बड़ी वाली टिप्पणी पहन के। मेरी वाइफ एक्चुअली दोस्तों शेफ है, इंडिया के बड़े बड़े शेफ के साथ उन्होंने काम किया है, उनका अपना एक ई ब्लॉग पोर्टल है कुकिंग का, गैलरी का, और अभी दोस्तों लास्ट 4 महीने से वो लंदन पे है, लंदन की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से उनको स्कॉलरशिप मिली हुई है, तो लंदन की शेफ अकेडमी से वो अपना एक बहुत बड़ा कोर्स करने के लिए गए हुए हैं, और लास्ट 4 महीने से वो लंदन पे है, आई वाज लिविंग अ बैचलर लाइफ, और 5 दिन बाद वो वापस आने वाली है। और तो दोस्तों बस ऐसे ही चल रहा है, मेरा एक छोटा भाई है, मेरी भाई की एक डॉक्टर है जो मेरी जान है, उसका नाम आरना है, और बहुत छोटी सी और
हम लोग छोटी सी फैमिली है दोस्तों और हम लोग रीवा से बिलोंग करते हैं। अब मैं थोड़ा सा मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ आपको, बिकॉज बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, हो सकता है यहाँ पर वो लोग होंगे जिन्होंने रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट किया हो, कुछ लोग होंगे दोस्तों जो 2-4-6 महीने से इस बिजनेस में होंगे, कुछ लोग होंगे वो 2-4-6 साल से इस बिजनेस कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैं थोड़ा प्रोफेशनल बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ, क्योंकि यूजुअली क्या होता है मैं देखता हूँ कि जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो कुछ ना कुछ तो आप कर ही रहे हैं, या तो आप जॉब में होंगे चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, या तो आप कोई बिजनेस कर रहे होंगे, या आप खेती किसानी कर रहे होंगे, एक्सपाइजेड कुछ ना कुछ तो आप कर ही रहे। यूजुअली मैं लोगों का एटीट्यूड देखता हूँ इस बिजनेस को लेकर, तो बहुत सारे लोग जो बिजनेस का पोटेंशियल नहीं जानते हैं ना, जब हम उनसे बात करते हैं पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, अगर वो बंदा जॉब कर रहा है तो हमेशा लोग अपने जॉब की बात पहले करते हैं। लोग बोलते हैं कि मैं फलाना फलाना कंपनी के अंदर एक पोस्ट में हूं, ये है मेरा पोस्ट। और आजकल क्या कॉर्पोरेट्स ने ना एक बड़ा बढ़िया फंडामेंटल निकाल दिया है, वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े नाम दे देते हैं, पैसा तो ज्यादा दे नहीं पाते हैं तो बड़े बड़े नाम दे दिए जाते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ द ऐसा कार्ड के ऊपर लंबा सा नाम रहता है। हम लोग क्या अभी हम लोग यही करते हैं दोस्तों, जब हमारे यहाँ पर हमारा कोई एम्प्लॉई बिगड़ जाता है ना, बोलता है मैं नहीं काम करूंगा, बहुत साल हो गए मैं तो इतने सालों से परेशान हूँ, 10,000 उठा रहे मैं नहीं काम करूंगा, हम लोग उसको बोलते हैं 2-4 महीने टालते हैं, उसको बोलते हैं रुक तो जा रही, तेरे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, तेरे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं करके 1 साल निकाल देते हैं उसके। फिर 1 साल बाद जब बिल्डर फूटने लगता है अब तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा काम, तो फिर हम बोलते हैं तू चिंता मत कर तुझे सीनियर बना रहा है, तो सीनियर बना रहा मतलब तो बोलते हैं अभी तक तू क्या था जूनियर हाउस कीपर है, अब तू सीनियर हाउस कीपर है। और उसको कार्ड निकाल कर दे देते हैं उसके लिए बड़ा सा नाम हम डाल के सीनियर हाउस कीपिंग इंचार्ज, सैलरी नहीं बढ़ाते 10,000 से 10,700 ही करते हैं, सैलरी 700 ही बढ़ाते हैं, नाम बढ़ा देते खुश हो जाता है। और आजकल के जॉब वाले लोग ऐसे खुश हो जाते हैं। प्रैक्टिकली मैं बताऊं हमारे यहाँ लोग कार्ड से बहुत इंप्रेस होते हैं, नाम से बड़ा आम डायरेक्टर जनरल ऑफ द सैलरी बता भाई 22,000 सैलरी लिखते कार्ड में। अच्छा प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों दुनिया की ना बड़ी डिफरेंट टाइप की लड़ाई है, हमारे यहाँ भाई बड़े बड़े नाम ही नहीं होते, छोटा सा नाम था NTC 3 लाख छापरा महीने का, छोटा सा नाम है भाई CTC 5 लाख छापरा भाई महीने का, छोटा सा नाम है भाई ITC 10 लाख छापरा महीने का, छोटा सा नाम है भाई डायमंड 25 लाख छापरा भाई महीने का, हमारे यहाँ छोटे छोटे नाम होते हैं लेकिन बाहर की दुनिया में नाम बड़े बड़े और दर्शन छोटे छोटे, और लोग उधर ही खुश हो जाते हैं। I always mean, वो मैटर करता है हमेशा। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि लोग नामों के पीछे ज्यादा पड़ जाते हैं, और नामों के कारण, क्योंकि भाई हमारे यहाँ जब बंदा शुरू करता है बिजनेस तो वो छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, जो बिजनेस में पैसा वैसा तो वही करता नहीं है, धीरे 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 उसकी पिन बढ़ेगी तब धीरे धीरे पैसा आना शुरू होगा। तो लोगों को मैंने उनका इंट्रोडक्शन देते हुए देखा है कि भाई मैं तो जॉब करता हूँ, आई बिलोंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन ये, और साथ में मैं माइलेज बिजनेस भी करता हूँ, भाई मेरी तो दुकान है। आपने देखी वैशाली नगर का चौराहा, चौराहे के पीछे जब जाते हैं तो वहां पर जो कॉम्प्लेक्स बना है, कॉम्प्लेक्स के पीछे वाले गली से जाकर वहां पर मेरी दुकान है, इस नाम से मेरी शॉप है, मेरा बिजनेस है, और मैं साथ में माइलेज बिजनेस भी करता हूँ। यानी लोग हमेशा बिजनेस को सेकेंडरी बताते हैं, शायद इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो नौकरी है या उनका जॉब का पोटेंशियल है या उनकी जो पुराने जो भी कामों का पोटेंशियल है उससे बहुत ज्यादा है, शायद वो बिजनेस के पोटेंशियल को पहचान ही नहीं पाए, इसलिए लोगों को मैं ऐसी बातें करता रहता हूँ। लोग बताते हैं मेरी तो बड़ी खेती है, 50 एकड़ में हम फार्मिंग करते हैं, खेती है हमारी, मैं एग्रीकल्चर, मैं तो यहाँ ये खेती हमारे ये होता है, हाँ साथ में मैं ये वाली कंपनी वाला भी काम करता हूँ, ये वाली ये भी करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी हो सकता है आपका जो भी प्लेटफॉर्म है ना, वो प्लेटफॉर्म पे आपको मालूम ही नहीं है कि इस बिजनेस में पोटेंशियल क्या। अच्छा, ऑल द होम मिनिस्टर्स इन द हाउस, होम मिनिस्टर्स मालूम है ना, जिनको कुछ लोग बोलते हैं कि तो कुछ नहीं करती है, मेरी वाइफ क्या करती है, वो तो कुछ नहीं करती है, वो होम मिनिस्टर्स हैं, जिनको आप बोलते हैं ना वो कुछ नहीं करती है, वो एक्चुअली में होम मिनिस्टर्स हैं हमारे। और होम मिनिस्टर नहीं हो दोस्तों तो आप और हम यहां नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। और आई ऑलवेज सैल्यूट फ्रॉम एवरी स्टेज, मैं हमेशा सैल्यूट करता हूं, बिकॉज प्रैक्टिकली दोस्तों
जो काम एक होम मिनिस्टर करता है ना, वो काम बड़े से बड़ा आदमी भी नहीं कर सकता। आई रियली सैल्यूट यू। और एक बार मुझे याद है, मेरा एक दोस्त था, वो बार बार ना अपनी बीवी को बड़ा तंग किया करता था, और वो जॉब में था, बाहर बाहर जाता था, तो जब आता था ना तो अपनी बीवी को हमेशा टांग मारते उसको सुनते रहते, अरे तुम करती क्या घर में बैठे, तुम करती क्या घर में बैठे, तुम करती क्या घर में बैठे। एक बार वो 3 दिन के लिए बाहर गया, 3 दिन बाद जब वो वापस आया ना, पूरे घर की हालत एकदम अस्त व्यस्त त्रस्त थी, पूरे घर की हालत। वो घर के अंदर घुसा तो कपड़े फैले हैं, चाले लटक रहे हैं, टमाटर महक रहे हैं, अंडे फटे पड़े हैं, एकदम घर की हालत खराब थी। बच्चे 2 दिन से नहाए धोए नहीं है, स्कूल नहीं गए हैं, क्या हुआ बेटा, बोले मम्मी ने स्कूल ही नहीं भेजा, उसके पिताजी पड़े हैं, बेटा 2 दिन से खाना वाना नहीं मिला, बहुत परेशान है। माँ जी बेटाली बोली, बेटा वो सुबह बहू बैठा गई थी बाथरूम में, उठ बैठ, वो बहू से ही पाती थी, बोली बेटा सुबह बैठा गई थी, अभी तो उठाने भी आया, बैठी हुई इंतजार कर रहे। वो परेशान हो गया, पूछा मम्मी कहाँ है, तो बोले वो मम्मी तो ऊपर है, जाकर देखा तो मम्मी मस्त पैर फड़ाके एफएल के अंदर ऐसे ऐसे बैठ कर गेंद खेल रही है। जाकर उसने बोला, बोले क्या लगा रखा है ये, क्या, अरे कुछ किया क्यों नहीं, बोले अरे तुम ही तो बोलते थे कहती क्या करती क्या, तो मैंने 3 दिन से कुछ किया नहीं। उसके बाद से आज तक उसने नहीं बोला कि तुम करती क्या, उसको पता चल गया ये करती क्या। तो ऑल द होम मिनिस्टर्स, ठीक है ना, हो सकता है आपको एक बार मैं आपको और बताऊं, हो सकता है आपको ये लगता हो कि आपने तो कभी जिंदगी में कुछ बिजनेस किया नहीं, आपने तो जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है, तो पता नहीं ये बिजनेस आप कर पाएंगे नहीं। आई गारंटी यू, जो काम आप करते हैं ना उसके आगे ये बिजनेस कुछ भी नहीं है। सबसे पहले डायमंड आप ही बन सकते हैं अगर आप ठान लें, नोबडी कैन डू। तो दोस्तों, अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच है बिजनेस को लेकर। मैं मेरा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं, मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड ये है दोस्तों कि मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूं। बिजनेस फैमिली हमारे 50 साल पुराना फैमिली बिजनेस है। पहला बिजनेस जो हमारा ग्रैंड फादर यानी दादाजी के जमाने से जो सेटल हुआ था दोस्तों, वो हमारा फुटवियर का बिजनेस है। हम जूते देते हैं और पैसे लेते हैं। बेचने की बात कर रहा हूँ भाई, आपको तो कुछ भी सोच लेते, मतलब हम जूते देते हैं, हम जूते सेल करते हैं, हम बेचते हैं जूते, हम किसी को जूते सेल करते हैं, बेचते हैं, हमसे पैसे लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला फुटवियर स्टोर, उसका नाम था खत्री बूट हाउस, KBH, हम लोग उसका शॉर्ट फॉर्म रजिस्टर कर रहे हैं। तो 2 स्टोर दोस्तों हमारे रिवा पे है, 2 स्टोर हमारे पास में हमारे स्मॉल टाउन है, उसका नाम है सतना, वहां पर स्टोर है दोस्तों। और अब कई बार क्या होता है कि जब हम लोग वर्बली बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि कोई गांव देहात में ऐसे 2-4 सौ जोड़ी जूते उते रख के बैठ जाते होंगे, बेच देते होंगे टाइप। दोस्तों बताना चाहता हूं कि अगली बार, वैसे मैंने सोचा है, आई गॉट सम सजेशंस फ्रॉम एवरीबॉडी, सभी ने मुझे बोला, अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि फोटोग्राफ्स वगैरह के साथ इन चीजों की बात करूं आपको। मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूं दोस्तों आपको कि आपके जयपुर का जो सबसे अच्छे स्टोर होंगे ना फुटवेयर के, उसकी टक्कर भी हमारे स्टोर से। हजार हजार स्क्वायर फीट के स्टोर्स हैं, और जितने भी आप बड़े ए ब्रांड जानते हैं, वुडलैंड, ली कूपर, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, पुमा, जितने आप नाम जानते हैं दोस्तों, सबकी ऑथराइज डीलरशिप हमारे पास में। और बड़े बड़े फैंसी तामझाम के साथ 20-25, 25-30 एम्प्लॉइज के साथ हमारा एयर कंडीशन शोरूम है। बहुत बढ़िया रिटेल मार्केट है हमारे रिवा का, सतना का, बिकॉज वो टाउन 3 लाख की पॉपुलेशन है, बट आसपास को मिलाकर 20-25 लाख का पॉपुलेशन है, इसलिए बहुत बढ़िया हमारे रिटेल स्टोर्स काम कर रहे हैं दोस्तों। पहला स्टोर 52 साल पहले डला था 1965 में, और आज तक दोस्तों हम धीरे 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 जब से पिछले 10 साल से हम एक्सपैंड करते चले आ रहे हैं। अभी हमारे पास दोस्तों 4 शोरूम है, और 5वां शोरूम होपफुली हम अगले साल एक मॉल में डालने के लिए जाने वाले हैं वहीं पे, बिकॉज हमारे टाउन में भी मॉल वॉल मल्टीप्लेक्स तो सब कुछ है। तो करीब करीब दोस्तों अगर मैं 4 स्टोर की बात करूं तो हर स्टोर में 20-25 एम्प्लॉइज है हमारे पास में, फैमिली ट्रेडिशनल बिजनेस है। और दोस्तों भगवान की ऐसी दया थी कि जब मैं जिन चीजों को लोग ड्रीम लेकर पैदा होते हैं ना, घर, बंगला, गाड़ी, जो ड्रीम्स होते हैं जिंदगी में कुछ पाने के, इट वॉज अ ब्लेसिंग फ्रॉम राम जी कि जब मैं पैदा हुआ दोस्तों तो घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ था हमारे पास, वेल सेटल बिजनेस। और ऐसा बिजनेस दोस्तों भगवान की दया से है कि मैं एसी में टांग फैलाकर अगर सिर्फ बैठा भी ऐसे रहूंगा ना दोस्तों, तो भी भगवान की दया से दिन भर भीड़ लगी रहती है और सिर्फ नोट गिनने से हमको फुर्सत नहीं मिलती है। अगर हम सीजन की बात करें दोस्तों, तो लाइन लगाकर लोगों को शूज खरीदने पड़ते हैं, भगवान की दया से इतना वेल सेटल बिजनेस है हमारा। फुटवेयर के अलावा दोस्तों हमारी एक रियल एस्टेट का वेंचर है, अभी रिसेंटली हमारा एक जेबी वेंचर है जिसके अंदर हम फ्लैट्स बना रहे हैं, बड़े बड़े 1000-1500 स्क्वायर फीट के लेविश फ्लैट्स बना रहे हैं, उसका नाम है रिवा रेजिडेंसी।
उसके अलावा दोस्तों हमारे हमारा जो मेन बिजनेस है, जो सबसे बड़ा हमारा वेंचर है, वो इंडस्ट्रीज है। हमारा सीमेंट बैग, सीमेंट देखते हैं आप लोग जो सीमेंट आते हैं, सीमेंट जिन बोरियों के अंदर आते हैं ना, सीमेंट बैग्स होते हैं, सीमेंट बैग्स का मैन्युफैक्चर यूनिट है हमारा। अब क्या होता है कि जब तक हम भी उस इंडस्ट्री से जुड़े नहीं थे ना, तो बेचारी बोरी जो होती है, बोरी नहीं होती, वो बेचारी बोरी होती है, क्योंकि वो इधर उधर कहीं नाली वाली इधर उधर फीकी पड़ी रहती है। तो हम भी देखते हैं जब किसी ने हमसे बोला बोला कि वो सीमेंट बैग्स का हम लोग यूनिट लगाते हैं, हमने बोला वो बेचारी बोरी, बोरी से लेंगे हम लोग, बोरी वोरी बनाया जाएगा। फिर जब हम लोग उसके अंदर घुसे, पता किया ये बिजनेस वेंचर क्या है, तो पता चला इसका मार्केट कितना बड़ा है, उसकी यूनिट कितनी बड़ी है। वो छोटा सा सीमेंट बैग्स का बिजनेस को आप दोस्तों ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो टोटल कैंपस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कैंपस है, दैट इज कॉल्ड मा पॉलीपैक्स, हम तीन पार्टनर्स हैं उसके अंदर। जो छोटा सा कैंपस है दोस्तों, वो 3 एकड़ का कैंपस है। आप लोग एकड़ समझते हैं, 3 एकड़ का वो कैंपस है, 75,000 स्क्वायर फीट का सिर्फ हमारा मैन्युफैक्चरिंग शेड है, जहां पर बड़ी बड़ी मशीन, इतनी बड़ी मशीन होती है दोस्तों कि हमारा जो मेन प्लांट होता है वो उस डोर से शुरू होता है और यहां तक खत्म होता है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है। ऑन एन एवरेज 24 घंटा 365 दिन वो प्लांट चलता है। करीब 400 लोग हमारे यहाँ पर उसके एम्प्लॉई हैं, 350 से 450 लोग के स्टाफ क्वार्टर हमारे पास हमारे ही कैंपस के अंदर है, और 350 से 450 एम्प्लॉई हमारे कैंपस के अंदर रहते हैं। अगर मैं दोस्तों हमारे पूरे बिजनेस ग्रुप की बात करूं, तो करीब 400 लोगों से 450 लोगों को हम हर महीने सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर मैं हमारे सीमेंट वेंचर की बात करूं, अगर मैं हमारे रिटेल स्टोर्स की बात करूं, 450 लोगों को दोस्तों हमने जॉब पर रखा हुआ है, जिनको हम 6-7, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 65,000 रुपए तक की सैलरी जीएम स्वेडर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 400 लोगों का एक एवरेज सैलरी मिलाकर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि महीने में हम सैलरी कितनी डिस्ट्रीब्यूट अपने ग्रुप से करते हैं। आप उसका छोटा सा वेंचर का एक एवरेज ऐसे लगा लीजिए दोस्तों कि हमारा सिर्फ इंडस्ट्री का जो बिल है, बिजली का बिल, वो 1,00,000 रुपए का आता है। किसी का आता है 1,00,000 रुपए का बिल? मैं डेली की बात कर रहा हूँ, महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, रोज का 1,00,000 रुपए का हमारा बिजली का बिल है। 32-33 लाख, 34 लाख, 35 लाख रुपए सिर्फ हमारे सीमेंट बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बिल आता है, ठीक है ना, बिल आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है। ऑन एन एवरेज दोस्तों ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, ऑन एन एवरेज अगर मैं हमारे पूरे बिजनेस वेंचर की बात करूं, तो हमारे पूरे बिजनेस वेंचर का जो एनुअल साल का टर्नओवर होता है वो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। और जब मैं इतने बड़े स्टेज पर खड़े होकर ये चीज बोल रहा हूं, तो डेफिनेटली आई हैव ईच एंड एवरीथिंग ऑन पेपर आल्सो। हम कई बार अवार्ड किए जा चुके हैं सबसे ज्यादा सेल टैक्स देने के लिए, और बहुत सारे टैक्सेस एक्साइज वगैरह देने के लिए हम कई बार अवार्ड किए जा चुके हैं दोस्तों। तो ये मेरा बिजनेस बैकग्राउंड रहा है। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा हो, उनके बच्चे बच्चे बगल बैठे होंगे ना, बीवी भी तो ऐसे ऐसे करते होंगे, सुनो देख लो, इसलिए बोलते हैं जिंदगी में पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। पैसा है, बिजनेस है, डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं है देखो, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होंगे ज्यादा, क्योंकि अगर डिसीजन लेने की कैपेसिटी होती तो इतना बड़ा बिजनेस छोड़ के ये थोड़ी ना करते होते, ये क्योंकि हमारी बिजनेस की और हमारी सोच की क्षमता के हिसाब से हम बात करते हैं दोस्तों। अगर मैं पढ़ाई की बात करूं, तो बिजनेस के लिए मेरे अंदर कीड़ा रहा है, जब मैं 15 साल का था तब से कीड़ा रहा है मुझको बिजनेस। कोई बहुत बड़ी फैमिली नहीं है हमारी, लोगों को लगता है बड़े चाचा मामा ताऊ की फैमिली होगी, ऐसे 4 चाचा 6 भाई 18 बहने सब मिलकर संभाल लेते होंगे। तो दोस्तों एक बात बताऊं, मेरे पापा अकेले हैं, कोई भाई भाई नहीं, और हम सिर्फ 2 भाई हैं। पापा की एज 66 है और भाई मेरा मेरे से 6 साल छोटा है। तो जितने बिजनेस वेंचर है ना दोस्तों, सबको हेड मुझे ही करना पड़ता है, सबको हेड मुझे ही करना पड़ता है। और बिजनेस का अगर मैं पढ़ाई की बात करूं दोस्तों, नेम द डिग्री ऑफ बिजनेस, नेम द एरिया ऑफ बिजनेस, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैंने उसके अंदर किया ही होगा, कुछ ना कुछ। आई हैव मास्टर्स इन बिजनेस, जितनी फॉरेन करेंसीज, एचआर, मार्केटिंग, जितना आप जानते हैं दोस्तों, मैंने बहुत सारे डिप्लोमास, बिजनेस कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज, दुनिया जहां सब दोस्तों ट्रेडिशनल बिजनेस से रिलेटेड किए हुए, ट्रेडिशनल बिजनेस से रिलेटेड मैंने दुनिया, मैंने इतनी डिग्रियां ली हुई है दोस्तों कि अगर मैं फैमिली बिजनेस के प्रति नहीं भी जाता ना, अगर मैं मेरा कैरियर जॉब के तौर पर चूज करता,
तो दोस्तों गोदी उठाकर दामाद बनाकर 60-70 लाख रुपए साल में देकर कोई भी कंपनी मुझे ले जा सकती थी। इतनी पढ़ाइयां दोस्तों मैंने बिजनेस के लिए करी हुई है। फिर भी मैं हर स्टेज से बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं, इंडिया से लेकर मलेशिया तक ने यही बोला है, मेरा लव, मेरा पैशन, मेरा कैरियर, मेरा खून सब कुछ है, तो आई लव माय लाइफ, मेरी टीम और मैं। मुझे नहीं मालूम दोस्तों आपको इस बिजनेस के अंदर कुछ दिखता है नहीं दिखता है, क्या दिखता है आपको इस बिजनेस का पोटेंशियल, इस बिजनेस की सोच, आई डोंट नो दोस्तों, लेकिन शायद आप अपना वाई खोज रहे होंगे कि आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। मैं मेरा वाई बता देता हूं दोस्तों, दुनिया के सारे बिजनेस, क्योंकि हम रिटेल्स भी करते हैं, जितना आप ऐसे लाइन बनाते हैं ना, वो रिटेल, होलसेल, सीएमएफ, इंडस्ट्रीज, सारे इंश्योरों के अंदर हम सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, जितने दुनिया ज्ञान के अंदर सारे बिजनेस वेंचर करने के बाद में भी दोस्तों मुझे लगता है और मेरा ये बिलीव है कि आने वाला फ्यूचर सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है। और लोगों को आज शायद विश्वास नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारा माइंड लॉजिक से घिरा हुआ है, हम लोगों को कभी ऐसा लगता नहीं है, हम लोग बोलते नहीं यार, यार ये पॉसिबल नहीं है यार, ये जो बातें कर रहे हैं यार, क्या आने वाला टाइम वाकई मतलब ये 10,000 रुपए से जो हमने बिजनेस, 20,000 रुपए से जो हमने बिजनेस शुरू किया है, क्या वो बिजनेस में इतना पोटेंशियल है कि आगे वाला पागल आदमी जो साल का 100 करोड़ रुपए का धंधा करता है वो छोड़कर ये बिजनेस कर रहा है, क्या इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है? यस, इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है, उससे कहीं ज्यादा पोटेंशियल है। करोड़ों रुपए लगाकर, क्योंकि दुनिया, मैं क्यों उस धंधे से बहुत प्यार करता हूं दोस्तों, मैंने हमेशा एक चीज देखी, जब हम हमारा कोई बिजनेस बढ़ाने जाते हैं, नया बिजनेस करने जाते हैं, बिजनेस एक्सपैंड करने जाते हैं ना, तो मैं हमेशा देखा दोस्तों कि हमारा बिजनेस का एक फंडामेंटल है, ट्रेडिशनल बिजनेस का एक फंडामेंटल है, करोड़ों लगाओगे तो लाखों कमाओगे, लाखों लगाओगे तो हजारों लगाओगे कमाओगे, और हजारों लगाओगे तो भाई सड़क पे आ जाओगे, कुछ कमाई वमाई नहीं होती, चक्कर में पड़ना, हजारों लगा के घंटा कोई कुछ कमा नहीं रहा, कुछ नहीं होता कमाई, हजारों के दिन लग गए, अब बिजनेस करना है तो शुरुआत ही लाखों से होगी, मतलब बड़ी बड़ी मछलियां तुमको डकार मारकर कहां निकाल देगी पता नहीं चलेगा, धंधा बहुत मुश्किल हो गया आज की डेट में दोस्तों। ये बिजनेस, क्योंकि दोस्तों लोगों में लगता नहीं है कि इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल होगा, लेकिन यस, आप माने ना माने आपको मानना ही पड़ेगा इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है, क्योंकि जब तक दोस्तों कल छोटी छोटी दुकानें होती तो किसी ने नहीं सोचा था कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स आएंगे, जब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स आ गए तो किसी ने नहीं सोचा था बड़े बड़े मॉल आएंगे, जब बड़े बड़े मॉल आ गए दोस्तों तब भी किसी ने नहीं सोचा था, जब बड़े बड़े मॉल वाले लोग थे ना तो उनसे बोला जाता था बिजनेस इज गोइंग टू चेंज, तो बोलते क्या चेंज होगा, मॉल खुल गया एसी में, अब क्या चेंज होगा इससे ज्यादा, तो बोलते थे ये नहीं चलेगा, ये जो है ना, ये जो पकड़ा है ना आपके हाथ में, इससे बिजनेस होगा, अच्छा मोबाइल से बिजनेस होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा बिजनेस होगा, नहीं अब लोग आने वाले टाइम में ना इस मोबाइल से शॉपिंग किया करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, हमने इतना बड़ा शोरूम खरीदा, हमने इतने बड़े मॉल में, हमने 5 करोड़ का शोरूम खरीदा है, 3 लाख रुपए किराया भरते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हमने यहाँ पर 2 करोड़ का माल भरा है, अरे लोग आएंगे तो माल देखेंगे, माल करेंगे, ऐसे कैसे कोई मोबाइल से खरीदेगा, आज क्या हो गया दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस आ गया, जैपोम, फ्लिपकार्ट, माइंत्रा, स्नैपडील, माई लाइफ, सब क्या है ऑनलाइन बिजनेस। और एक बात बताऊं दोस्तों, दुनिया जहां की पढ़ाई करी है 10 कंट्रीज के डाटा उठाकर देख चुका हूं, उठाकर देख लेना, अगर ऑनलाइन बिजनेस की पूरी दुनिया में कमर तोड़ी है तो सिर्फ ई कॉमर्स डायरेक्ट सेल्स नहीं तोड़ा, सिर्फ यही बिजनेस है जो तोड़ेगा कमर ऑनलाइन की, क्योंकि ये ऑनलाइन होते हुए भी रेफरल रहेगा। आज हमारा बिजनेस क्या है, अच्छा वो सोच कर देखिए, बिजनेस धीरे धीरे कितना टफ होता जा रहा है, पहले गली कूचे में दुकान खोलनी होती थी तो लाख 2 लाख रुपए में दुकान खुल जाती थी, फिर धीरे धीरे बिजनेस पूंजीवादियों के हाथ में गया, बिजनेस कौन कर पा रहा है, जब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने तो 25-50 लाख की दुकानें हो गई, लोग को कौन कर पा रहा था, इसके पास 25-50 लाख रुपए होगा, फिर धीरे धीरे बिजनेस मॉल्स में शिफ्ट होने लगा, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट कर सकता है वही धंधा कर पाएगा भाई साहब, फिर धीरे धीरे ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। क्या आप जब हम बना सकते हैं 500 करोड़ रुपए डाल के, आप स्नैपडील बना सकते हैं 1,000 करोड़ रुपए डाल के, आप मैंत्रा बना सकते हैं 700 करोड़ रुपए डाल के, लेकिन अपनी आईडी 10-20-25 हजार में बना सकते हैं और वो जैपम और मैंत्रा से कंपनी है, जो
जो ऑनलाइन करता है वही करने का मौका हमारे पास में है, और वहां पर भी पूरी दुनिया रेफरल बिजनेस के तौर पर भाग रही है, और हम वहां पर यही कर रहे हैं दोस्तों। वो टाइम दूर नहीं है, तब कोई बड़ी चीज नहीं है कि आपकी और हमारी जो आईडीज रहेगी ना उसी के नीचे 25-25, 50-50, 100-100 करोड़ का साल का टर्नओवर हुआ करेगा। और उसके लिए आपको अरबों रुपए और करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे सिस्टम के उस सिस्टम को समझने और यूज करने और इस सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है। कल आपका जबोंग आपकी आईडी बन सकती है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। दिस बिजनेस हैज दैट पोटेंशियल। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, मुझे नहीं मालूम आपका इस बिजनेस में वाई क्लियर हुआ है या नहीं, या आपके बिजनेस के अंदर क्या एक्सक्यूजेज हैं या बहाने हैं या क्या मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, रियली आई डोंट नो। मैं एक बात बताऊं, लोग बोलते हैं क्या मुझे 25-50 हजार की नौकरी के साथ में बिजनेस करना चाहिए, लाख रुपए की नौकरी के साथ ये बिजनेस करना चाहिए, लाख रुपए कमाता हूं मेरी दुकान से बिजनेस करना चाहिए। मुझे नहीं पता दोस्तों, मैं साल का 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर करता हूं तो आधा 1% 2% तो उसमें से कमा लेता हूं, फिर भी मैं बोलता हूं कि मुझे ये बिजनेस पूरे जी जान से करना चाहिए और मैं कर रहा हूं। तो मुझे बिजनेस की जरूरत तो बहुत है, आपको है कि नहीं? आपको लोग बोलते हैं भाई मेरे पास में तो मेरी बिजनेस से टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, बिजनेस तो भाई साहब आपका जबरदस्त है लेकिन क्या बताएं टाइम नहीं मिल पा रहा है हमको, टाइम क्योंकि मैं मेरी नौकरी मतलब आप समझ लो मेरी पोस्ट, आई एम द डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टर, और मेरे पास में इतना बिजी शेड्यूल है ना कि बिजनेस के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहा। मुझे नहीं मालूम दोस्तों क्या आप अपनी 50,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपए की नौकरी के साथ में या बिजनेस या दुकान के साथ में आपको बिजनेस के लिए टाइम निकालना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं दोस्तों कि मेरे 4-4 शोरूम होने के बाद, रियल एस्टेट वेंचर होने के बाद, मेरे 400 लोगों की इंडस्ट्री होने के बाद में भी पहले टाइम इस बिजनेस के लिए निकालता हूं और बाद में पार्ट टाइम में बाकी सारे बिजनेस। मेरे लिए बिजनेस की इतनी इंपॉर्टेंस है, और मेरी जितनी पढ़ाई थी या मेरे नेटवर्क की सोर्स है वो सब कुछ लगाने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे मेरा कैरियर माई लाइफ के और एमएलएम के नाम करना चाहिए। तो दोस्तों अगर मेरी ये सोच है तो आपकी है या नहीं मुझे नहीं मालूम, और अगर आपको लगता है ना यू कांट अंडरस्टैंड माय स्टेटस क्यू, मैं आप समझ रहे हो, आई एम डॉक्टर रॉस, आई एम इंजीनियर, आई एम सीए, आई एम डायरेक्टर जनरल ऑफ ढाई, आई शोरूम वन ऑफ द प्राइम लोकेटेड शोरूम, मैं जो किसी के पास मैं और जब मैं बोलूं इसमें जुड़ जा आप समझ रहे हो ना, मुझे नहीं मालूम बॉस आपको जाकर बोलना चाहिए ना नहीं, लेकिन मेरे 4-4 शोरूम और फैक्ट्रियां होने के बाद में भी मैंने घर घर जाकर लोगों को बोला कि इस बिजनेस में जुड़ जा तेरी जिंदगी बदल जाएगी, और जो जुड़ा उसकी जिंदगी बदलेगी। और हो सकता है आपको ये लगता हो भाई वो सब तो ठीक है बट ना लोग बहुत मजाक उड़ाए भाई साहब, अगर आपके मजाक उड़ते होंगे तो मेरी तो कितनी धज्जी उड़ी होगी, मतलब जिस आदमी से मिलने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, जिस आदमी से मिलने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, जिसके मोबाइल पर फोन जाए और अगर उसका नंबर सेव नहीं हो तो मैं किसी का फोन नहीं उठाता था, वो आदमी लोगों को फोन कर करके बोल रहा था कि मैं आपके घर शाम को 7 बजे चाय पर आना चाहता हूं, तो लोग हैरान परेशान बोले क्या हो गया इसको, ये आ रहा है घर हमारे चाय पी, और वो बड़े एक्साइटेड होते थे। अच्छा तुमको ऐसा भी लगता होगा ना, लोग लगता होगा इतना बड़ा फैमिली बैकग्राउंड था आपका, आपके तो नाम से ही लोग जुड़ गए होंगे। मुझे भी दोस्तों ऐसे ही लग रहा था कि मेरे तो नाम से ही लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जो आदमी बड़े एक्साइटमेंट में बोलता था कि बिल्कुल बिल्कुल आइए आप हमारे घर आ रहे हैं हमारी तो किस्मत खुल गई। मैं उसके घर जाकर जब भी बिजनेस बताता था ना तो बोलता था नहीं ये सब तो ठीक है, ये तो हमसे नहीं होगा, कहीं फैक्ट्री में भाई लगे मैं नौकरी दिला दीजिए। जितनी नेगेटिविटीज आपने झेली है ना कसम से बोल रहा हूं उससे ज्यादा झेली हो, जितने ना तुमने झेले है ना उससे ज्यादा झेली हो। तुमको जाकर हो सकता है लोग बोलते होंगे ना कि यार तुम्हारे काम को ये सब काम मैच करता है, फिर तो पिताजी और माताजी के पास घर पे पहुंच जाती तो बोलते थे क्या हो गया इसको, अच्छा लग रहा है क्या ये लोगों की घड़घड़ जाती क्या जो कर जो रहा है ये अच्छा लग रहा है ये, और फिर आपको लगता होगा कि लेकिन थैंक्स गॉड फैमिली, फैमिली ने जबरदस्त सपोर्ट किया, जबरदस्त सपोर्ट किया दोस्तों मेरी फैमिली ने, आपने 1 महीने तक बात नहीं करी
और पापा पापा का कभी डायरेक्ट डिशू नहीं होता है ना, पापा का कैसे डिशू होता है, माँ को क्रॉस करके मारते हैं। मतलब हम लोग अगर साथ बैठ कर नाश्ता भी कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट मुझे नहीं ढाई मारते थे, समझा रहा अपने लड़के को, अब शोरूम छोड़ छोड़ के और फैक्ट्री छोड़ छोड़ के ये सब छोड़ के ये घर घर जाने के लोगों ना कट रही है हमारी, समझा लो अपने लड़के को। सब देखा है बॉस हमने भी। और कल वही लोग जिन्हें लोगों के पास जाने से मेरे शर्म आती थी ना, वो गर्व करते हैं आज मोहित टंडन और इस हॉल को। ये बिजनेस सब देने का पोटेंशियल रखता है, क्या आप लेने की पोटेंशियल और पेशेंस रखते हैं? तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं पाएगी, ये ध्यान रखना, कोई नहीं हिला सकता। सेवन सक्सेस मंत्र आज मैं